आज मैं तीन चीज़ों के मिक्स सब्जी बना रही हूँ, बहुत ही कम समय में, बहुत टेस्टी सब्जी। तो हर घर में बनता है, बस इस तरीके से बनाए टाइम के बचाते हुए। देखिए, मैं गोभी काट ली हूँ। गोभी काटने के बाद उबलते पानी में उसे डाल दी हूँ। तब तक इधर लहसुन लहसुन मिर्ची अदरक मैं काट ली हूँ, कूट ली हूँ। उधर आलू भी हमारे उबल चुके हैं। अब देखिए, इसे छन्नी से छान लीजिए आप गोभी को, क्योंकि कीड़ों मकोड़ों इसमें रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा निकल जाएंगे जो भी होंगे। और आलू भी इधर छिल रहे हैं। इधर कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। इस तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत झटपट बन जाएंगे आपका सब्जी, टाइम के बचाते हुए। अब इधर आलू भी ठंडा हो रहा है, इधर तब तक आप गोभी को भून लीजिए। मैं एक पैन में और पानी चढ़ा दी हूँ, इसमें मैं एक और चीज़ डालूँगी। तब तक देखिए, हमारा गोभी भुन जा चुका है। और उधर मैं आलू भी छील ली हूँ, और सोयाबीन ही मैं डाली थी जो पैन में बताई हूँ, कि सोयाबीन भी मैं उधर डाल दी थी गर्म पानी में, वो भी हमारे हो चुके हैं। इसी में आप डाल दीजिए। अगर ज़्यादा सब्जी बनाइएगा तो आप अलग अलग फ्राई कीजिए। अगर कम सब्जी बना, जैसे लॉज में, टिफिन में, बच्चों लोग के दिन घर के लिए बन रहा है, तो आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं कम सब्जी में। पहले गोभी डाल दीजिए, उसके बाद सोयाबीन। अब इधर ये जब दोनों भुन जाया जाए, तो आप इसमें आलू डाल दीजिए। आलू उतना भुनना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी वो गोभी और सोयाबीन अच्छे से भुंजा जाना चाहिए। इस तरीके से आप उलट उलट के भून लीजिए। आपको तीन बार जो बनाइए भूंजिएगा, एक बार में आपका अच्छे से भुंजा जाएंगे। उलट पलट के अच्छे तरीके से आप भून लीजिए। और इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने से होता है कि भूनते समय डालिएगा तो जितना भी है इसमें अंदर बहुत अच्छे से घुस जाते हैं। और नमक मैं थोड़ा कम डाली हूँ और बाद में डालूँगी। इस तरीके से उलट पलट के भून लीजिए। अगर हमारा बनाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बल्कि इस सब्जी के कितने कम समय में आप भी बनाए, मैं भी बनाई हूँ, आपको कैसा लगा बनाने के लिए। अब मैं निकालने के बाद देखिए, मैं इसमें फिर से डाली हूँ तेल और जीरा। आप इसमें सरसों वगैरह भी डाल सकते हैं। और तेज पत्ता दो, इसमें सूखा हुआ मिर्च, और इसमें अदरक और लहसुन दरदरा कूटा हुआ है, उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। डालने के बाद इसे थोड़ा बहुत चला लीजिए आप। जब इसका खुशबू बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा पक जाते हैं तो, और उसके बाद प्याज डाल दीजिए। इसमें और सब्जी आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, पर मैं तीन चीज़ साइज बना रही हूँ। एक कटे हुए मैं दो टमाटर डाली हूँ। इसे भी उलट पुलट के चला लीजिए। मैं अब इसमें मसाला डालती हूँ, जो प्रतिदिन मैं डालती हूँ मसाला, वही डाल रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी एक चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, और चम्मच के हिसाब से लीजिएगा, मेरा छोटा चम्मच है, और काली मिर्च 1/2 चम्मच। बस इसे उलट पुलट, कम मसाले में भी मैं ज़्यादा सब्जी बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा मसाला मैं नहीं यूज करती हूँ। इसमें हल्का पानी डाल के आप चलाइए ताकि मसाला आपका ना जले। और देखिए, मैं भूल गई थी, लाल मिर्च डाल रही हूँ। इस तरीके से आप उलट पलट के चला दे। जब आपको तेल छोड़ने लगेंगे मसाले, तो समझिएगा आपको मसाला भुंजा गया है। और जितने सब्जी आप भुंजे हैं, फिर से इसमें आप सब्जी को उलट पलट के अच्छे से चला लीजिए, जो कि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। इस तरीके से भुनने में आपका सब्जी बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। अगर पानी डायरेक्ट डाल के डालिएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये सब अच्छे से मसाला इसमें चिपक जाएंगे सूखा हुआ ही। उसके बाद आप इस तरीके से भी आप खा सकते हैं इसे पराठा वगैरह में, पर नहीं, मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ। अगर आपको इच्छा हो तो इस तरीके से बना के भी चावल दाल पर पराठा साथ खा सकते हैं। सब्जी एकदम परफेक्ट बन चुका है। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, हल्का ग्रेवी चाहिए हमें रोटी में खाना है। देखिए, थोड़ा सा आलू बड़ा बड़ा अगर दिखे तो आप कलछी से, छोलनी जो भी चला रहे हो उसे आप थोड़ा काट सकते हैं। सिर्फ घर के मसाला से देखिए इतना अच्छा टेस्टी सब्जी, दिखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में भी तो उसका कोई जवाब नहीं है। आप एक तरीके से, एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। बस एक कमी इसमें और है, थोड़ा सा खोलने दीजिए। देखिए कितना अच्छा सब्जी बना, मैं बहुत कम समय में सब्जी को बनाई हूँ। इस तरीके से एक बार ज़रूर आप बनाएं। देखिए, हमारा सब्जी तैयार हो चुका है। अब बस इसमें एक चीज़ और डाल दीजिए, धनिया पत्ता। धनिया पत्ता लगा सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं, इसमें खुशबू बहुत अच्छा लगता है। हमारा सब्जी तैयार हो चुका है खाने के लिए।